फिर और ऊपर किया, अरे और कीजिए। कहा जाता है अंसाफ असाकाइन, ये आधी पिंडली तक ले आए। अगर कोई उतनी ऊंचा पहन ले तो लोग बोलेंगे कुर्ता आपका, पैजामा छोटे भाई का पहने हुए हैं। लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं, जबकि एक सुन्नत पर अमल कर रहा तो ये जज्बा। बोलिए पैंट छोटी होगी आपसे भाई? है कुछ लोग है अमल अमल शुरू है। कितने लोग हैं भाई? एक आज से छोटी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो पहले से छोटी है भाई, और छोटी कीजिएगा। तेरा नदी टखने के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि टखने के नीचे का हिस्सा क्या होगा? आग में जलेगा। अगर हर माँ ठान ले कि बचपन से बच्चे को सिखाना, तो बड़े लोगों को इस तरह सिखाने की जरूरत पड़ेगी? कभी पड़ेगी? बोली माँ का कितना बड़ा रोल है। और हर मम्मी अगर ठान ले, एक बात और बोलता हूँ, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, पूरे कलकत्ता शहर में खुर्शीद भाई साथ दीजिएगा, एक दुकान ऐसी बता दीजिए जिस दुकान में फुल अस्तीन का बच्ची के लिए कुर्ता या कपड़ा मिलता हो। शेख साहब है वो दुकान? अरे भाई इतने पुराने फिर भी आप नहीं बता रहे, देख रहे शेख मारू साहब बोलिए। एक भी दुकान बता दीजिए जहां फुल अस्तीन का लड़की के लिए कपड़ा मिलता हो। है कोई दुकान? होगी होगी होगी, आपके पास है? है एक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह उस दुकान में और बरकत पैदा कर दे। भाइयों ये सब बचपन से अगर प्रैक्टिस हो ना, ये सब छोटे छोटे है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब नौजवान है। सहाबियात में भी कितना जज्बा है, औरतों में भी। नबी की बात सुन ले, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है। आजकल हमें और आपको भात से मोहब्बत ज्यादा है, बोल साहब। सिर्फ भात मिलना चाहिए खाने को, खत्म। बात नहीं, जात नहीं, बल्कि भात, साथ में दाल और भात, खत्म। हदीस के अंदर आया पूरी मार्केट में खवातीन ही का कब्जा है। अब खुद ही बोझ ले ली है तो क्या करे? अब मर्द लोग घर बैठने बोलते बउआ मम्मी आ रही है, अब बउआ खिला रहा है। जबकि काम उसका था कि वो मार्केट जाता, आलू खरीद के लाता, प्याज खरीद के लाता। अब खुद ही औरत ने ले लिया है, घर में भी काम कर रही है बेचारी, बाहर भी काम कर रही है, ऑफिस में जाके भी काम कर रही है।